नमस्कार, आज आपण आहोत वसई विरारमधील सातिवली या गावामध्ये. 30 वर्षापूर्वी आदिवासी लोकांनी सुरेश कलमाडिया ह्या व्यक्तीला आपली जागा भाड्यावरती दिली होती. त्यानुसार 30 वर्ष पूर्ण झाल्यावरही सुरेश कलमाडिया ह्यांनी ही जागा खाली केली नाही आहे. त्या संदर्भात आदिवासी जनतेने दिल्ली येथील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाला ह्याची तक्रार केली आहे आणि त्यानुसार आज दिल्लीवरून आदिवासी लोकांच्या न्यायासाठी दिल्ली आयोगातर्फे चाचणी होणार आहे आणि त्यासाठी दिल्ली आयोगातील अध्यक्ष इथे उपस्थित राहणार आहेत. आपण बघूयात की दिल्लीवरून येणारे अध्यक्ष आदिवासी जनतेला त्यांचा न्याय देऊ शकतात का. मी सर्वप्रथम मी ओळख करून देतो. मी बाबू महाली, सर्वे नंबर 42-2 खातेदार मालक. आमचे इथं जमा झालेले एवढे मालक, त्यापैकी मी एक मालक बाबू शंकर महाली. तुम्हाला सांगायचं झालं तर 1975 रोजी आमच्या वडलोपाजीत जागा ही आमच्या वडिलांनी किंवा आमच्या परदादांनी ही त्यांना 33 वर्षाच्या लीजवर दिली होती, एन डी शहा व नीता शहा यांना. परंतु ती आज 2003-07 त्यांची लीज ही संपून सुद्धा त्यांनी इथला हक्क सोडलेला नाही आहे. त्याकरता आमच्यावर अन्याय झाला, एक आदिवासी कुटुंबावर अन्याय झाला म्हणून आम्ही ते वारंवार तहसीलदार, वन खाते यांच्याकडे कंप्लेंट दर्ज करून त्याच्याकडे तक्रार नोंद करून आजपर्यंत आम्हाला न्याय भेटलेला नाही. म्हणून आम्ही अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे नवी दिल्ली इथे तक्रार नोंद करून आमच्या तक्रारीला त्यांनी दाद देऊन मागच्या वर्षी 25 तारखेला येथे येऊन प्रत्यक्ष त्यांनी पाहणी केली व त्यानुसार त्यांनी तसा आदेशहीसुद्धा दिला की सदर जागा ही आदिवासी मालकी असून जो आपने बताया ना जी माली परिवार पर. हाँ, पूरी बैठक करके कलेक्टर साहब और सारे अधिकारी थे, संबंध विभाग थे, उनको कहा है कि ये सारी बातें जो है वो इंक्रोचमेंट किसने किया है और कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है उसमें, और उनको कमीशन में और भी बार सुनवाई हुई है और अभी तक पूर्ण उनको रिलीफ नहीं मिला. हमने कमीशन ने कहा है कि इस सारे लोग ही इंसाफ उनको मिलेगा. सर, उस मामले में साईं सर्विस के मालिक सुरेश कलमाड़ी ने उस जगह को लिया होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो. मैं ऐसा समझता हूँ कि कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान के धारा 338 क के अंतर्गत ये बनाया गया है. ये जनजातियों के प्रोटेक्शन के लिए है, उनके सेफ गार्ड के रूप में है और हमने अत्यंत सौहार्दपूर्ण में आज चर्चा की है और सारे बिंदु पर चर्चा हुआ है. मैं समझता हूँ हर स्थिति का ध्यान रख करके उसका अंतिम समाधान निकाले प्रशासन. सर, फैमिली ने बताया है कि सुरेश कलमाड़ी का भाई मुकेश कलमाड़ी वसई के तहसीलदार से मुलाकात. थोड़ा पीछे कीजिए सर. गुहार लगाई है, कई बार आपके पास एप्लीकेशन दिया है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती. सर, क्या कोई प्रेशर है प्रशासन पे या कुछ ऐसा है, बताइए सर. देखिए, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपको ये बारे में पूरी जानकारी दी है. मेरा इस बारे में और दूसरी बात करना वो आप फैमिली आप पे आरोप लगा रही है. सर, एक मिनट, फैमिली वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप मामले को डिले किया. आरोप लगा रहे हैं कि आपने मामले को डिले किया. एक काम करो, ऑफिस में आओ. सर, आप ऑफिस में बैठे खड़े. सर, ऑफिस में क्या डॉक्यूमेंट बोलूंगा. परिवार वालों का आरोप है कि आपकी वजह से इस मामले को लटकाया जा रहा है. आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी फॉरेस्ट का जो टाइटल है अभी तक फॉरेस्ट का है, इसमें रेवेन्यू कुछ नहीं करता है. जब तक फॉरेस्ट का टाइटल नहीं आता है तब तक कुछ नहीं करता. सर, और 6-12 फैमिली वालों का नाम काट दिया गया था, ये कैसे हुआ था? फेयरफार में उनके फैमिली का नाम काट दिया गया था. अभी तो रिकॉर्ड देख के आपको बताना पड़ेगा ना. सर, मामला सुरेश कलमाड़ी से जुड़ा है तो इसके बाद भी आपको इसकी जानकारी नहीं कि मुझे देखना पड़ेगा क्या? सर, इतना मामला सुरेश कलमाड़ी से जुड़ा है जी. आप बोल रहे हैं, सर उनके घर वालों का भी आरोप है कि आपकी वजह से मामला लटका हुआ है. तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है. अगर है कुछ सबूत तो लेके आओ. सर, इतना बड़ा मैटर है.